ये हमारा कैटेगरी फाइव, और उस कैटेगरी फाइव में हम लोग बात कर रहे होंगे एक नए तरह के लैंग्वेज फॉर्म की। और अब जो सबसे फेमस इसके बाद आता है वो है हमारा कि ट्रेवल रिलेटेड हम लोग इसको बोल सकते हैं। और फर्दर इस ट्रेवल रिलेटेड में ही मैं इसको अलग अलग पार्ट में बांटूंगा। जैसे एक जो ट्रेवल रिलेटेड में है वो व्हीकल एंड फेयर रिलेटेड है, मतलब कोई गाड़ी से चल रहा है, टैक्सी से चल रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से चल रहा है, तो व्हीकल और उसके फेयर रिलेटेड एक मैं इसके आऊँगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें कैटेगरी में बनाऊँगा वो होगा शिप रिलेटेड, शिप से अगर जाएगा तीसरा क्या होगा, और फिर एक थर्ड कैटेगरी जिसमें बस ट्रेन वगैरह सब होगा, दूसरे व्हीकल्स होंगे उस वाले पे, ये ट्रेन रिलेटेड में ऐसे मैं इतने तीन चार तरह के क्वेश्चन करवाऊँगा। इसी में एक और कैटेगरी, अगर इसका सब कैटेगरी टाइप बोले, इसका ये सब कैटेगरी था, एक होता है फेयर रिलेटेड। फेयर मतलब है सिंपली पैसा, चार्ज जो ले रहे हैं वो वाला फेयर, ठीक है। इसका मतलब है चार्ज, कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, फेयर रिलेटेड। इसमें एक फेयर रिलेटेड आता है लाइब्रेरी से लिए, एक आता है हॉस्टल टाइप, या हॉस्टल या रूम वगैरह लॉज वगैरह लेते हैं उसमें, रूम रेंट टाइप। इसी में आप इस वाले को भी ला सकते हैं, व्हीकल वाला, व्हीकल रिलेटेड टाइप, ये सारा इसमें आता है। खैर इस सब को हम एक साथ अब कर रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें सिंपल सा एक चीज़ फंडा ये है कि जब भी ट्रेवल रिलेटेड हम आ जाए, शिप रिलेटेड हम बाद में देखेंगे, इस सब का एक ही फंडा है, ठीक है। खास कर व्हीकल रिलेटेड, लाइब्रेरी रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप छोटे सिटी टाउन वगैरह में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो सिंपली बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो 20 रुपया लिया जाएगा, किसी भी ऑटोमोबाइल से आप अगर जाते हैं, किसी भी व्हीकल से जाते हैं, किसी भी वाहन से जाते हैं, ठीक है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया या बड़ा, अगर एक शहर से दूसरे जगह शहर जाना है तो 100 रुपया ऐसे टिकट बटा रहता है। लेकिन शहर सब में, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े सिटी में ऐसे नहीं चलता है, उस सबके पास मीटर लगा रहता है जो डिस्टेंस नाप के देता है, ऑटोमीटर जिसको आप बोल रहे होते हैं। उसमें दो तरह से जो फेयर है, दो तरह से चार्ज लिया जाता है। पहला, अगर आप किसी ऑटोमोबाइल में बैठते हैं तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज होता है कि आप बैठे आपको चार्ज लग गया। अब आपको कितना जाना है, 10 किलोमीटर जाना है तो हर एक किलोमीटर का आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर का 50 रुपये, और एक फिक्स्ड चार्ज होगा, मान लीजिए वो 10 रुपये है, तो 50 रुपये तो आप 10 किलोमीटर का चले 10 किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर का 5 रुपये था, तो 10 × 5 = 50, और उसके साथ साथ 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज बोला जाता है। वो लाइब्रेरी में भी रहता है एक फिक्स चार्ज, वो हॉस्टल वाले में भी रहता है, आप खाना खाओ हर दिन उसका एक अलग चार्ज, और आप जो रह रहे हो उसका अलग चार्ज, वो व्हीकल रिलेटेड में भी रहता है, तो एक फिक्स्ड चार्ज रहता है। और उसके साथ साथ क्या रहता है, जो आप पर डे चल रहे हैं इस समय लाइब्रेरी में, पर डे कितना लिए या पर बुक रहता है, व्हीकल सब में कितना पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है, तो इसमें सब में एक कंसेप्ट लगता है, एक होता है फिक्स्ड चार्ज। तो एक फिक्स्ड चार्ज रहेगा, उस फिक्स्ड चार्ज को हम लोग मान लेंगे कोई वेरिएबल एक्स, इसमें एक वेरिएबल हमेशा ये रहेगा, और दूसरा रहेगा हमारे पास जैसे व्हीकल रिलेटेड है तो पर किलोमीटर कितना लगेगा, या इस सब में है तो पर डे अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं तो कितना लगेगा। तो इसको हम ये दूसरा सेकंड वेरिएबल का काम कर रहा होता है, फर्स्ट वेरिएबल ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फिक्स्ड वैल्यू ही होता है, और सेकंड वेरिएबल इस तरह का जिसको हम वाई मान सकते हैं, ये फर्स्ट वेरिएबल हमारा। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर होगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपके पास और क्लियर होगा, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सरसाइज अगर 3.3 देखें आप, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 3 का 4th देख सकते हैं। इसमें बोल रहा है ए टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब एक फिक्स्ड चार्ज है और उसके साथ साथ जितना डिस्टेंस कवर करा जाएगा उसके हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। तो पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। खैर एक बार आप पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ लें कि एक टैक्सी चार्ज है सिटी में, उसके बाद एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, तो एक फिक्स्ड चार्ज है, इस सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट रहेगा, एक फिक्स्ड चार्ज रहेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, उसके बाद हिसाब से पर किलोमीटर जो डिस्टेंस चलेंगे, पर किलोमीटर डिस्टेंस चलेंगे उसका चार्ज रहेगा। ये दो चार्ज के हिसाब से आपको टोटल जो भाड़ा लगेगा, टोटल जो फेयर लगेगा, टोटल चार्ज, वो इस दोनों को मिला के लिया जाएगा। ओके, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर अ चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। वन इज द फिक्स्ड चार्ज पर एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चलो देखते हैं, आसानी से, बहुत आसान है। तो वही पहला काम तो ये होगा कि फर्स्ट वेरिएबल इसमें क्या रहता है, फिक्स्ड चार्ज, सबका अलग अलग रहता है, तो मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज बीएक्स, ये रहेगा ही, आप रिक्शा में बैठ गए, ऑटोमोबाइल में बैठ गए, व्हीकल में बैठ गए, तो ये रहेगा, लेट फिक्स्ड चार्ज बीएक्स,
एक दूसरा कैटेगरी का भी क्वेश्चन आता है जिसमें बोलता है कि पर किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का ये चार्ज होगा और उसके बाद जो रिमेनिंग किलोमीटर होगा वो दूसरा होगा। और अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें बोला है कि फिक्स चार्ज एक लगेगा ही, आप गाड़ी में बैठे आपको फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज लग गया, मतलब फिक्स चार्ज जो था गाड़ी में बैठने का मान लीजिए आप उसका चार्ज लग गया, तो मान लीजिए फिक्स चार्ज एक्स है और डिस्टेंस पर किलोमीटर है। आपको क्वेश्चन में भी लास्ट मैंने बोला था, लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ मानना रहता है, अगर कन्फ्यूज रहते हैं क्या मानना है वेरिएबल तो दिया हुआ है। देखिए जो चीज़ मांगेगा कि ये बताइए, जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द डिस्चार्ज पर किलोमीटर, उसी चीज़ को मान रहे होंगे। तो हम मान लेंगे चार्ज पर किलोमीटर फिक्स चार्ज एक्स हो गया और चार्ज पर किलोमीटर जो हमारा दूसरा वेरिएबल होता है वो हमारा वाई हो गया। कोई आदमी 10 किलोमीटर चलाए, पहला ये था ना फोर और डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फोर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मैंने शॉर्टकट में डिस्टेंस को DIST लिख दिया 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अगर चला है तो 1 किलोमीटर का वाई लग रहा है, ठीक है वाई मान लीजिए 5 रुपये है तो 10 किलोमीटर का 50 लेगा, यानी 10 × 5 किए थे, यानी 10 × 5 किए थे 10 वाई, और एक फिक्स चार्ज लेगा तो टोटल उसको जो भाड़ा देना पड़ेगा वो होगा एक्स, फिक्स चार्ज तो उतना ही है, चाहे आप 10 किलोमीटर चलो 50 चलो 200 चलो फिक्स चार्ज वही लगेगा एक्स, 100 रुपये हो 200 रुपये हो 10 ही रुपये हो, और उसके साथ साथ हर किलोमीटर का वाई रुपया, 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई रुपया, इस सब को मिला के जो पैसा दिया है वो दिया है कितने 105 रुपये। अगर कोई 15 किलोमीटर का जर्नी करता है, 15 किलोमीटर जर्नी कोई 15 किलोमीटर जाता है उसी टैक्सी से, तो उसको देना पड़ा है 155, 155, तो फिक्स चार्ज अगेन एक्स लगेगा और हर किलोमीटर का वाई है, 15 किलोमीटर चला है तो 15 वाई होगा, 15 वाई होगा इक्वल टू 155। दो इक्वेशन आपको मिल गया, ये दो इक्वेशन मिल गया, इस दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई के वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स होगा फिक्स चार्ज और वाई होगा कितना जो डिस्टेंस पर किलोमीटर है, ये दोनों निकाल देंगे। उसके बाद एक और पार्ट है बोला हुआ है कि हाउ मच एज पर्सन हैज़ टू पे फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो देखिए फिक्स चार्ज मान लीजिए 10 रुपये आ गया तो वो 10 रुपये, और साथ में 25 किलोमीटर में मान लीजिए जो अभी पर किलोमीटर चार्ज है वो 5 रुपये आता है, 5 रुपीज, 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 × 5 हो जाएगा कितना 125, और उसके साथ साथ 10 रुपये जो फिक्स चार्ज है तो 125 + 10 = 135। आप नहीं सुने तो एक बार फिर से बैक करके सुन लीजिए मैं क्या बोला। तो ये है इस तरह का क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का एक्सरसाइज, अगर आप 3.4 खोल सकते हैं, वैसे वो क्वेश्चन देख ही रहा होगा एक्सरसाइज 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आप 5th देखेंगे वो इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें बोला जा रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसी का, फेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइब्रेरी रिलेटेड प्रॉब्लम या हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे लाइब्रेरी रिलेटेड है। तो बोला ए लाइब्रेरी लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब जो लाइब्रेरी बुक दे रहा हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अब देखो यहाँ बोल दिया कि फर्स्ट 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज रहेगा, मतलब अगर आप 10 दिन के लिए रखते हो तो उसमें 3 दिन का एक अलग चार्ज होगा, बाकी आप 7 दिन रखोगे वो अलग चार्ज होगा, ठीक है इसको आप इस तरह से समझेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि फिक्स्ड चार्ज एक लाइब्रेरी का जो लैंडिंग है, पैसा जो देंगे आप, ठीक है आपका जो स्कूल होता है उसमें भी आपको पैसा देना पड़ता है, पर बारी बारी से नहीं देना पड़ता है, वो आपके स्कूल फी में ही जनरली रहता है, पर आप कोई पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कुछ पैसा लगता है बुक लेने का, वैसे नहीं दिया जाता। तो एक फिक्स्ड चार्ज है कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वैसा नहीं कि इसके आप लाइब्रेरी में घुसे तो उसका चार्ज लिया जाएगा गाड़ी के जैसे, ऐसा नहीं, आप लाइब्रेरी में गए एक बुक लिए, 3 दिन के लिए अलग भाड़ा लगेगा, 3 दिन के लिए माफ़ कीजिएगा अलग चार्ज लगेगा, और बाकी जो दिन है उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। तो फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, मैंने बोला था फिक्स्ड चार्ज एक वेरिएबल होगा हमारा, दूसरा जो लगेगा वो है एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे, तो चार्ज इच डे एक दूसरा है। कोई आदमी अगर लेता है बुक तो उसको इतना देना पड़ेगा, टोटल चार्ज जो देगा वो इस दोनों को मिला के। तो फिर से हम लोग मान लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो होगा एक्स, फिक्स चार्ज वाले को हम एक मानेंगे, फिक्स चार्ज फॉर एक 3 डेज, 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज लगेगा वो एक्स है, एंड चार्ज पर डे हर चार्ज जो हर दिन लगेगा इच डे लगेगा वो है वाई। अब चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला गया है कि सरिता पेज 27 फॉर अ बुक ही केप्ट फॉर 7 डे, एक सरिता एक लड़की है वो कितना दी है, वो पे की है पेज 27 रुपीज, मतलब कुछ दिन रखी होगी, ठीक है कुछ दिन रखी होगी तब 27 रुपये दी है, कितने दिन रखी है फॉर 7 डेज, 7 दिन रखी है, तो भाई साहब 7 दिन रखी है तो 3 दिन के लिए तो अलग चार्ज होगा, वो कितना होगा 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 + 4, तो 3 दिन के लिए तो उसको एक्स रुपया देना पड़ा होगा, और बाकी 4 दिन जो है तो 1 दिन का वाई है तो 4 दिन का 4 वाई होगा, इस तरह से आप समझे, ठीक है। तो उसका पैसा कैसे देना पड़ेगा उसका इक्वेशन अगर बनाएंगे तो 3 दिन के लिए कितना दिया है एक्स, ठीक है एक्स लिख दिया वो फिक्स्ड चार्ज था, और चार्ज पर डे बाकी कितना दिन बचा, ऐसे नहीं कि आप 7 वाई लिख देंगे, नहीं, तो 7 वाई मतलब 7 दिन और एक्स मतलब 3, तो 10 दिन रख ली ना, 10 दिन तो नहीं रखिए, कितना दिन रखिए 7 दिन ही ना, तो एक्स लिखेंगे आप 3 दिन के लिए, बाकी कितना दिन बचा 4 दिन, तो एक्स + 4 वाई इक्वल टू कितना हो गया, एक्स + 4 वाई आपका हो गया कि वो दी है
27 रुपीज़। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो बोल रहा है कि 47 डेज सुशी पे 21 रुपीज़। सुशी एक दूसरा लड़का है, लड़की है, वो कितना रुपया दे रहा है? 21 रुपया। कितने दिन के लिए रखा है? 4-5 डेज, 5 दिन के लिए। तो अगेन 5 दिन को आप ऐसे कंसेप्ट लाएंगे, इसको 3+2 लिख सकते हैं। 3 दिन के लिए अलग चार्ज है, 2 दिन के लिए अलग, 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो एक्स है, 2 दिन, 1 दिन के लिए वाई है, 2 दिन के लिए 2y होगा। तो x+2y इक्वल टू कितना दिया है ये 21 रुपीज़। तो ये आपका हो गया दो इक्वेशन जहाँ बन गया, दो इक्वेशन से आप सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं आसानी से। ये हो गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 3.5 में। एक्सरसाइज 3.5 अगर आप देखेंगे तो उसमें अगेन हॉस्टल चार्ज रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज आप 3.5 में चला जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का आप फर्स्ट वाला ले लें। इसमें हॉस्टल चार्ज रिलेटेड है, चार्ज रिलेटेड मैंने बोला था, हॉस्टल चार्ज रिलेटेड, चार्ज रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बोला है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। क्या चीज़ है? एक पार्ट जो है मंथली हॉस्टल चार्ज का, मतलब 4000 देता है कोई आदमी, 4000 रुपये हॉस्टल का देता है। तो मान लो उसमें 1000 रुपये फिक्स होगा, तो एक फिक्स्ड चार्ज है, अगेन उस फिक्स चार्ज हमारा फर्स्ट वेरिएबल होता है, उसका एक पार्ट फिक्स्ड है, और रिमेनिंग जो है वो डिपेंड करता है क्या, पर डे पे, पर डे खाना लिया है उसके हिसाब से, मेस में कितना दिन लिया है वो फिक्स है, एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, लाइब्रेरी उसमें वहाँ पर रहने का, हॉस्टल में रहने का, और उसके साथ साथ कितने दिन मेस में खाना लिया जाता है उसके हिसाब से। तो एक स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए है भाई साहब, ठीक है, स्टूडेंट ए है, बोला कि ये जो स्टूडेंट ए है खाना लेता है 20 दिन के लिए, उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। खाना 20 दिन के लिए लिया तो कितना देना पड़ा? 1000 रुपया उसको देना पड़ा, ठीक है। अगेन अब इसमें ये तो नहीं बोला था कि फिक्स्ड चार्ज, जैसे लाइब्रेरी वाला में है अगर आप ध्यान से देखें तो लाइब्रेरी वाले में क्या था, लाइब्रेरी वाले में बोला था कि फिक्स्ड चार्ज 3 दिन के लिए है, ठीक है, पर ऐसा कहीं तो कुछ नहीं दिया, फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट ए जो है वो कितना दिन रहा है भाई साहब? तो वो रहा है आपको 20 दिन रहा है। तो उस 20 दिन हर दिन के लिए चार्ज मान लेंगे कि वो वाई रुपीज़ है, चार्ज पर डे डिपेंडिंग अपॉन टेकिंग फूड ऑन द मेस इज वाई, और फिक्स्ड चार्ज मान लेंगे एक्स, ठीक। तो 20 डेज रहा है, तो भाई साहब 20 डे, एक डे का वाई तो 20 डे का 20 वाई, ये फिक्स चार्ज आपको लगेगा ही, वैसे ही जैसे टैक्सी में लगा था। लाइब्रेरी वाले में बोला था कि 3 दिन के लिए, कभी कभी 2 दिन के लिए भी हो सकता है, कभी कभी 1 दिन के लिए भी, पर यहाँ क्वेश्चन में दिया था फर्स्ट 3 डेज, तो हम फर्स्ट 3 डे को माइनस करके चले थे, इस तरह चले थे। तो यहाँ बोला 20 डे के लिए, तो एक फिक्स चार्ज आपको एक्स लगेगा स्टूडेंट ए अगर वो रहने आया है या रहने आई है, और उसके साथ साथ 20 रुपये उसको लगेंगे, 20 दिन रही है तो 20 × जो वाई रुपये है उतना लगेगा, यानी 20 वाई। इस सब को मिला के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें शायद दिया हुआ है कि इसको रुपया जो देना पड़ा, पैसा जो देना पड़ा वो लगा 1000 रुपये, जैसे दिया हुआ 1000 रुपये। तो आपका ये इक्वेशन पहला फर्स्ट फॉर्म हो गया। दूसरा आप देखिए तो बोल रही है कि स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डे। स्टूडेंट बी दूसरा, वो 26 डे के लिए फूड ली। अब एक दिन के लिए फूड का चार्ज क्या है? वाई रुपी, और फिक्स चार्ज तो लगेगा, तो एक्स प्लस 26 डे है तो 26 वाई, उसको कितना देना पड़ा? 1180 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज देना पड़ा, ठीक है, ये दोनों हॉस्टल चार्ज निकाले। तो बोला फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यही कॉस्ट ऑफ फूड डे, चार्ज ऑफ फूड पर डे, मैंने बोला था लास्ट में जो चीज़ लिखा रहेगा उसी चीज़ को आप अगर कन्फ्यूजन होते रहता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते रहता है कि आखिर वेरिएबल किसको माने, एक्स वाई किसको माने, ठीक है, तो एक्स वाई आप उसी को मान रहे होंगे जो चीज़ पूछा गया है, अक्सर बोला ही रहता है कि ये चीज़ क्या होगा, तो उसी चीज़ को आप वेरिएबल मान के मान रहे होंगे। चलिए अब अगला कैटेगरी हम लोग करेंगे, और वो अगला रिलेटेड जो कैटेगरी है वो हमारा रहता है शिप रिलेटेड। इसी में जो हमारा कैटेगरी नंबर 5th था उसमें ट्रेवल रिलेटेड में हम देखे ना, तो उसमें व्हीकल और फेयर रिलेटेड देख लिए, ये वाला टैक्सी चार्ज के रिलेटेड, ठीक है, उसी में हम लोग लाइब्रेरी रिलेटेड अभी क्वेश्चन किए थे, हॉस्टल रिलेटेड देख लिए, व्हीकल रिलेटेड देख लिए। तो चलिए चलते हैं शिप रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको आप रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम की कैटेगरी का 6th नंबर। ये ट्रेवल रिलेटेड प्रॉब्लम का ही एक सब कैटेगरी था जिसको मैं अलग से कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए फिजिक्स का, जो कि है डिस्टेंस टाइम का। अगर आप डिस्टेंस टाइम के बारे में थोड़ा छोटा छोटा चीज़ जानते हैं और सिंपल सा फॉर्मूला भी जानते हैं, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम, तो उससे आपका काम बन जाता है। उसके साथ साथ इसमें एक दो नेम भी आता है जो अक्सर कन्फ्यूज कर रहा होता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि इस ऐसे कैटेगरी में क्या क्या कंसेप्ट आपको छोटा छोटा चीज़ चाहिए। तो इसमें पहला चीज़ जो चाहिए वो ये है कि हमारे पास वाटर जो है, जब वाटर में कोई बोट रहता है और वाटर में कोई धारा, कोई स्ट्रीम नहीं चल रहा होता, तो उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिल वाटर मतलब पानी स्थिर है,
पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एक बार होता है, एक आएगा वर्ड स्ट्रीम, एक आएगा वर्ड स्ट्रीम जिसको आप समझ ही सकते हैं, वेव का जो बहाव होता है जिसको धारा भी बोलते हैं, ठीक है, यानी सिंपल वाटर का मूवमेंट। अब जब वाटर का मूवमेंट होता है, देखिए इधर से शिप जा रहा है या बोट जा रहा है, ठीक है, बोट या शिप कोई भी, तो इधर से बोट जा रहा है। अब हो सकता है पानी का मूवमेंट भी इधर के ही तरफ हो, पानी का मूवमेंट भी इसी तरफ हो, ठीक है। पानी का मूवमेंट और ये दोनों अगर एक ही तरफ होगा तो मदद करेगा, ठीक है, मदद करेगा। ये इसी तरह से है जैसे आप कहीं चढ़ते हैं, एक बार है समझ लीजिए ऐसे है, कहीं पे ओवरब्रिज टाइप है, ऐसे आप चढ़ते हैं और फिर उस ब्रिज पर से उतरते हैं, ठीक है, उस ब्रिज पर से उतरते हैं, पुल है, ब्रिज है, उस पर आप चढ़ते हैं, उस पर आप उतरते हैं। जब आप नीचे आ रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, साइकिल से आप आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, किसी चीज़ से, मान लीजिए साइकिल से आ रहे हैं, सबसे ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं आप, साइकिल बहुत अच्छे से सब लोग चलाए भी होंगे। तो अगर ऐसे केस में हम लोग उतरते हैं नीचे, डाउन की तरफ उतरते हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, या मेहनत ही नहीं करना पड़ता है आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमको जो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो झुकाव है, यही हमको नीचे ला रहा होता है, ग्रेविटी जो है वही अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, हम उसी के डायरेक्शन में क्योंकि जा रहे हैं, जिधर ये झुका हुआ है उधर ही हम भी जा रहे हैं। पर जब हम यहाँ चढ़े थे, ठीक है, इधर चढ़े थे तो क्या हुआ था, तो चूंकि ये अप था और हम जो थे उसके ही डायरेक्शन में, यहाँ अप तक जाना था और हम ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, तो इसीलिए हमको क्या हुआ था, दिक्कत हुआ था जब हम अप गए थे। तो स्ट्रीम के केस में, धारा के केस में, यानी वाटर के मूवमेंट के केस में भी ऐसा ही है। एक बार आप पानी के साथ चल सकते हैं, पानी के डायरेक्शन के साथ, ये अप है, ये बोट का मूवमेंट है और ये स्ट्रीम का मूवमेंट है, एक बार ये दोनों साथ रह सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं इस पिक्चर को, ये जो दोनों है वो बहुत अच्छे से बहुत स्पीड में, बोट जितना स्पीड है, एक तो बोट का खुद स्पीड होगा जो दे रहा होगा, उसका चालक जो ड्राइवर है उसका जो चला रहा होगा वो दे रहा होगा, और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा है वो स्ट्रीम कितना उसको स्पीड दे रहा है, वाटर का मूवमेंट का भी एक स्पीड होगा, वो भी होगा। अगर दोनों डाउन की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट इधर जा रहा और स्ट्रीम इधर जा रहा, ये रहा बोट का डायरेक्शन, ये रहा स्ट्रीम का डायरेक्शन, या स्ट्रीम ही इधर जा रहा बोट इधर जा रहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक दूसरे को, एक इधर जा रहा तो एक इधर जा रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि ये एक दूसरे को अपोज करेगा, ठीक है, हवा में ही जा रहे हैं आप, हवा जा रहे हैं, अगर हवा के डायरेक्शन में ही आप अपना साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, जिधर हवा जा रहा है उधर ही आप भी जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आपको स्पीड में लेकर चला जाता है, लेकिन हवा के अपोजिट अगर जाते हैं तो दिक्कत होता रहता है, वही चीज़ यहाँ है। ऐसे केस को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इसको यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, अब जाएंगे तो कैसे दिक्कत होता है। तो स्ट्रीम यानी वाटर का मूवमेंट सिंपली वो दो तरह का हो सकता है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हमारा स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, क्योंकि हम भी उसी के डायरेक्शन जा रहे थे, तो हमारा जो स्पीड है और साथ में जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है, उसी तरह से जैसे हवा है, हवा के ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हमारा तो स्पीड रहता ही है, हमारा एक स्पीड रहता है और उसके साथ साथ जो हवा है वो अपना स्पीड भी एडअप कर देता है, सिमिलर केस ऐसा होता है। और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो ये क्या करता है, हमारा स्पीड को कम कर देता है। तो ऐसे केस में दो तीन चीज़ आएगा, पहला आएगा ये चीज़ कि बोट इन स्टिल वाटर, बोट या शिप इन स्टिल वाटर। तो ऐसे केस में हमको ये नहीं पता रहेगा कि बोट इन स्टिल वाटर का स्पीड कैसा है, तो इसका ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल रहेगा, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल रहेगा जिसको हमको मानना होगा, फर्स्ट वेरिएबल। और दूसरा जो होगा वो होगा ये अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, या सिंपली बोल सकते हैं सेकेंड वेरिएबल आपका स्ट्रीम होगा, ठीक है, सेकेंड वेरिएबल क्या होगा, स्ट्रीम होगा। अब अपस्ट्रीम होगा तो वो हम देखिए हैं, अप जाने में दिक्कत होता है तो स्पीड को हमारा घटाता है, और अगर डाउन जाते हैं तो हमारे स्पीड में जोड़ जाता है, तो उस हिसाब से। तो मान लेंगे कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग मान लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ बोट और शिप, लेट स्पीड ऑफ बोट और शिप बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, कब, जब पानी स्थिर था, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, लेकिन जहाँ पानी मूव करने लगा तो उसमें स्ट्रीम आ गया, ठीक है, तो उसका हम लोग स्पीड मान रहे होंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो पानी का मूवमेंट है धारा है उसका, वो एक स्पीड हो गया वाई किलोमीटर पर आवर। यही दो वेरिएबल बन गए, दो वेरिएबल बन गए। अब बोला जाएगा वो क्वेश्चन में कि अप स्ट्रीम गया तो इतने देर में गया, डाउन स्ट्रीम में गया तो इतना देर गया, सिंपल से कंसेप्ट लग रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है मतलब उसी के डायरेक्शन में जाता है जिधर स्ट्रीम चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे, हमको कम टाइम लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा। और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ऊपर की तरफ अप करते हैं अप स्ट्रीम में, तो क्या लगेगा, हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, या बोल सकते हैं आप बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। तो जब बोले आपको अप स्ट्रीम कितना होगा, हम बोलेंगे अप स्ट्रीम तो हम माने ही नहीं, आपको पता है आप स्टिल वाटर में जानते हैं स्पीड कितना होगा, एक्स,
और उसके साथ जब आप चढ़ रहे हैं ऊपर की तरह से आप कंसेप्ट रखेंगे, आप स्टे मतलब ऐसे चढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या होता था, घटता था ना, तो कितना घटेगा जितना अपोज कर रहा है पानी, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। वही जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं यानी पानी जिधर जा रहा है उधर ही जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा डाउन, आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारा स्पीड बढ़ जाएगा तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना कंसेप्ट हो गया तो बस कहानी खत्म। और एक छोटा सा आप कहने के लिए और भी बोल सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम अगली कैटेगरी में डिस्कस कर रहे होंगे, स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसी से और भी आप फॉर्मूला बन सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या टाइम ही बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर ले आइए मल्टीप्लीकेशन में और स्पीड ले आइए, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, इससे हो जाएगा। इसके रिलेटेड दो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, उस दोनों का हम बारी बारी से कर रहे हैं। कंसेप्ट इसमें इतना ही चाहिए, अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का और स्टिल वाटर का। आप एग्जांपल नंबर 19 देख सकते हैं, पहला एग्जांपल 19 पेज नंबर 65 पे आपको दिख भी रहा होगा अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन यहाँ बोला है कि ए बोट है वो गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। 10 आवर में कोई बोट है जो क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप, 30 किलोमीटर यहाँ चला और डाउन स्ट्रीम में कितना चला, वो चला 44 किलोमीटर। उसको टोटल टाइम जो लगा इस दोनों को करने में, टाइम लगा, यही चीज़ आपको खोजना रहेगा, टाइम लगेगा मतलब हमको टाइम निकालना पड़ेगा, वो लगा कितना, 10 आवर। वहीं 13 आवर में ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ सकते हैं। आपको बोला है स्ट्रीम का क्या स्पीड होगा और बोट जो स्टील वाटर उसका क्या स्पीड होगा। मैंने बोला है कि जो चीज़ आपको पूछा जाता है उसको भी आप वेरिएबल मानिए, ठीक है, उसी को वेरिएबल मानिए, उसी को एक्स वाई मानिए। वैसे भी यहाँ कंसेप्ट में बता ही दिया गया है कि यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल रहता है, तो पहले तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी एक्स, अगर नहीं दिया तो वही करेंगे, स्टील वाटर बी एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर या सिंपली एक्स। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना होगा, बी वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर मानते हैं, ठीक। ये अगर आप मान लेते हो तो अप स्ट्रीम में कितना स्पीड हो जाएगा, अप स्ट्रीम मैंने बोला है आपको कैसे रिलेट करेंगे, भूल जाते हैं बच्चे, जो नहीं घटाना है, अप स्ट्रीम मतलब हम चल रहे हैं ऊंचाई पे तो अपोज करेगा हमको, यानी हमारा स्पीड कम हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और ये पूरा भी आप लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा यानी दोनों जो एक ही डायरेक्शन में, उस कंडीशन में स्पीड जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। तो पहला कहानी क्या था, पहला कहानी था कि अगर बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 30 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम और फिर 30 किलोमीटर और उसके साथ साथ कितना 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, इस दोनों को मिला के जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, उस दोनों को मिला के टाइम लगा है आपको 10 आवर। तो देखिए इसमें कुछ टाइम लगा होगा, इसमें कुछ टाइम लगा होगा, इस वाले को T1 मान लीजिए, इसको T2, ये दोनों मिला के कितना लगा है, 10 आवर। तो वही हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला टाइम जो है, ये वाला फोर अप स्ट्रीम, फोर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम जो लगा होगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टाइम अभी देखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उसी से टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया, ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 बाय, इसका अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, या देख सकते हैं अप स्ट्रीम चल रहा है, स्पीड कम हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर। उसी तरह से 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टाइम जो इसको लगेगा, टाइम टेकन वो कितना हो जाएगा, तो टाइम जो इसको लगेगा वो है अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस और स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर। ये दोनों मिल के कितना लगा रहा है, ये दोनों अगर मिल जाता है टाइम, तो ये दोनों टाइम मिल के बोला है कि 3 आवर लगा, तो इस दोनों टाइम मिल के मतलब क्या है, इस दोनों का टाइम मिल के कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम ये वाला और टाइम ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कंसेप्ट लगा के हम क्या लिख रहे होंगे, ये 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आवर, ये पहला इक्वेशन बन गया। तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई ये कितना हो गया, ये हो गया 10 आवर। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, मैंने ऐसे बहुत सारा बताया हुआ कि आप रिड्यूसिबल फॉर्म में इसको लाइए, 1 बाई एक्स माइनस वाई को पी या क्यू या ए या बी कुछ मान लीजिए, अब उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, हमको दो इक्वेशन प्राप्त करना है क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम दूसरा वाला पे देखते हैं। अब यहाँ बोला है कि 13 आवर लगता है किसके लिए, अगर कोई बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, यानी इस बार डिस्टेंस दे दिया है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इस दोनों को मिला के जो टाइम लगा है,
वो कितना लगा है, तो इस दोनों को मिला के टाइम लगा है, वो लगा है 13 आवर्स दोनों को मिला के। तो पहले इसमें ले ले, तो 440 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, तो उस कंडीशन में टाइम कितना लग जाएगा, और टाइम टेक टाइम इक्वल टू क्या होता है, अगेन वही डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 40 बाई स्पीड कितना है, तो अप स्ट्रीम चढ़ाओ, फिर से स्पीड कम होगा यानी x माइनस वाई लिखा भी हुआ पीछे। अगेन 455 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 455 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो टाइम लगने वाला है, टाइम टेकन वो कितना लगेगा, अगेन वो लग जाएगा 55 बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इस दोनों को मिलकर कितना टाइम लगा है, तो इस दोनों को मिलकर मिला है 13 आवर। तो इसलिए अब हमको यही डेटा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 13 आवर। ठीक है, 13 आवर, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, आप आई होप कि आपको ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ईजी वाला क्वेश्चन सब होता है इसको सॉल्व करना, बस आपको एक सपोजिशन करना पड़ता है, करने के लिए दो स्टेप आपको करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कंसेप्ट वगैरह बताया गया है, बहुत आसानी से मैंने बताया कि कैसे रिड्यूसिबल फॉर्म को कर सकते हैं। खैर चलिए, अब एक ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो चलिए एक्सरसाइज वाला एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और एक्सरसाइज ये 3.6 में एक क्वेश्चन है ऐसा ही, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 अगर आप देखें, तो उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, उसमें बोला हुआ है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब सिंपली जाना डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन टू आवर एंड अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर इन टू आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ओके, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ, दैट्स वेरी सिंपल। एक बार हम लोग करके देखते क्या दिया हुआ, कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन टू आवर। तो पहला डेटा ये लिख लेते हैं कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वैसे पहला तो सपोजिशन ही होता है, पर डायरेक्ट अगर माइंड में नहीं आए तो गिवन जो डेटा है उसको पहले देख लीजिए। तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टू आवर, ओके। उसके बाद क्या है, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन टू आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड मतलब जाना, रोइंग जो है इसका मतलब है बोट चलाना, ठीक है, रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। फिर से मैंने बोला था, जो बोला हुआ जाता है उसी को हम अक्सर सपोज भी कर रहे होते, वैसे भी इसमें बताया दिया दो ही वेरिएबल होता है, तो वही मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ रोइंग या स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, बोट है ऐसे स्टील वाटर, स्टील वाटर वो एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, और स्पीड ऑफ करंट, करंट वही है स्ट्रीम या धारा, स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब कोई चीज़ का मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट है तो वाटर करंट, एयर का मूवमेंट होता है एयर का करंट, चार्ज का मूवमेंट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो स्पीड ऑफ क्या चीज़, करंट, स्पीड ऑफ करंट बी वाई किलोमीटर पर आवर, वो वाई किलोमीटर पर आवर है। तो अब समझते हैं अब क्या करना है, जो हमको अप स्ट्रीम बोल रहा है, एक तरह से आपको बोला है मैंने डिलेट करना है, कि जैसे आपको कोई चीज़ पे चढ़ना है तो स्पीड आपका कम हो जाता है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। वही अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ ढलान रहता है, जब झुकाव रहता है तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, तो डाउन स्ट्रीम यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बढ़ जाएगा स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या क्वेश्चन था, पहला बार देखिए 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टू आवर, 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 2 आवर। ओके, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, बाय स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम कितना हो जाता है, बढ़ जाता है एक्स बाई वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स बाई वाई किलोमीटर, इसी के लिए दे है 2 आवर। इसमें ये नहीं बोला है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया प्लस 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, इस दोनों को मिला के 2 आवर दिया, सिर्फ इसके लिए 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया ना उसके लिए 2 आवर लगा, तो इक्वल टू 2 लिख देंगे, यही हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इतना ही पे काम करते हैं भाई साहब। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 2 × x + y = 20, या x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 इधर ले आए, 20/2 = 10, आप इधर भी रख सकते थे 2x + 2y, पर और मैंने सिंपल करके दे दिया आपको x + y = 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली आप दूसरा भी बना सकते हैं, यहाँ से बोला 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर, अगेन टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ 2 आवर, इधर भी हम टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है 4, बाई स्पीड कितना है, तो अप स्ट्रीम जा रहा है यानी स्पीड घट जाएगा, 4x - y इक्वल टू कितना लगा, 2 आवर। अगेन इसको आप इधर ले आए, या 2 × 4 यहीं काट सकते हैं, या 2x - y = 4, तो x - y कितना हो जाएगा, 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 हुआ, तो x - y = कितना हो गया, 2।
तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप सो। ठीक है, तो ये था शिप रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसी से आगे हम लोग